మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే దోస్తో, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. హమారి యూట్యూబ్ ఛానల్ మే ఆప్కా స్వాగత్ హై. దేఖియే, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लैंप को सीरीज में जोड़ते हैं तो उस स्थिति में कौन सा लैंप मोर ब्राइट होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है. अगर उनकी वोल्टेज रेटिंग सेम है और जब उनकी वोल्टेज रेटिंग डिफरेंट हो. समझ में आई बात? और सीरीज कनेक्शन, इसी तरह से पैरेलल कनेक्शन भी हम इसका स्टडी करेंगे. टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा सीरीज में पैरेलल में भी स्टडी करेंगे. और फिर कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा कितने वोल्टेज पर, ये भी स्टडी करेंगे. मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकते हैं ये भी हम यहाँ स्टडी करेंगे. ठीक है, यहाँ रेसिस्टेंस पर 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसको आपके सामने हमने लिख दिया है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं. देखिए, जब हम फिलामेंट लैंप का टोटल प्रॉब्लम जब सॉल्व करवा लेंगे तब मैं आपको आगे रेसिस्टेंस का, तब टोटल पार्ट समाप्त हो जाएगा. तब मैं आपको अगले वीडियो में डिफिनीशन बताऊँगा किसका किसका, पोटेंशियल का, वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, EMF का, पावर का, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, सबका डिफिनीशन मैं बताऊंगा आपको. और इनको फार्मूले से रिलेट करके बताऊंगा. इसका सीधा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगा कि आप जो है इनका डिफिनीशन रटेंगे नहीं, आपको हर चीज़ का मतलब मीनिंग समझ में आएगा. ठीक है, इसलिए हमारा ये डिफिनीशन वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा. वीडियो आप सब देखिए, लेकिन ये मेरे डिफिनीशन जो बेसिक डिफरेंस होता है इन सब में, उनको मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा. उसके बाद हमारा ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद थ्योरम, और एक क्रम से हम बेसिक इलेक्ट्रिकल को फाइंड वो करेंगे. इसी बीच में हम आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी वीडियो अपलोड करेंगे और सारी जानकारियां आपको हम देते रहेंगे जब हमको जो भी हमें करना होगा. यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपको आंसर बताना है. हम इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं. देखिए, 2 प्रकार का रेसिस्टर ज़्यादातर यूज करते हैं हम, एक कार्बन रेसिस्टर और एक दूसरा यूज करते हैं वायर वाउंड रेसिस्टर. आप जानते हैं कि कार्बन का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए टाइपिकल वैल्यू मतलब आदर्श रूप में अगर देखा जाए तो कार्बन का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, कार्बन का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और पावर रेटिंग उसकी लो होती है. ठीक है, पावर रेटिंग क्या होती है, लो होती है और उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है. और वायर वाउंड में इसके ठीक विपरीत होता है. वायर वाउंड का पावर रेटिंग ज़्यादा होता है और उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है. ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेरिजन करते हैं कि कौन सा गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा रेसिस्टेंस कार्बन होगा और कौन सा रेसिस्टेंस वायर वाउंड होगा. ठीक है, तो हम जो है इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टडी करने जा रहे हैं. आप इसको ध्यान से समझिए. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ए 10 ओम रेसिस्टर विथ ए 10 वाट पावर रेटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी ए. देखिए, 1 वाट से भी कम, 1 वाट के लमसम में आपका कार्बन रेसिस्टर की रेटिंग होती है और रेसिस्टेंस में तो कई किलो ओम तक, मेगा ओम तक भी हो सकता है. और वायर वाउंड की पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, रेसिस्टेंस इसका बहुत कम होता है. तो इस तरह से हम इनका स्टडी कर लेंगे. तो यहाँ पूछ रहा है 10 ओम दे दिया है, पावर 10 वाट दे दिया है. देखिए, पावर ज़्यादा है इसका, पावर ज़्यादा है, रेसिस्टेंस क्या है, कम है. जब पावर ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो उस कंडीशन में कौन सा होगा, ये वायर वाउंड रेसिस्टर होगा. क्या होगा, ये वायर वाउंड रेसिस्टर. इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा. ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 100 किलो ओम रेसिस्टर विथ ए 1 वाट पावर रेटिंग इज लाइकली टू बी ए. मतलब ये कह रहा है कि एक रेसिस्टर जो है 100 किलो ओम का है और उसका पावर 1 वाट के लमसम में. देखिए, रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया, पावर कम हो गया, तो कार्बन का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता ही है, इसलिए आप सीधा सीधा कह देंगे कि कार्बन रेसिस्टर ही है. ठीक है, यहाँ ऑप्शन में 2 यही है आपका COD वाला ऑप्शन, इसलिए हम इसको एबव लिख दिए हैं. तो इसलिए आपका क्या होगा, कार्बन रेसिस्टर ही होगा, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है.
ठीक है। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज टाइपिकल रेसिस्टेंस एंड पावर डिसिपेशन वैल्यू फॉर वायर वाउंड रेसिस्टर। मतलब ये कह रहा है कि एक वायर वाउंड रेसिस्टर के नमूने के लिए, वायर वाउंड रेसिस्टर, आदर्श वायर वाउंड रेसिस्टर के लिए इनमें से कौन सी रेटिंग पॉसिबल हो सकती है। तो वायर वाउंड है, पावर ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो देखिए किसमें पावर ज़्यादा है, रेसिस्टेंस कम है। इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है, पावर कम है। यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है, पावर कम है। यहाँ भी रेसिस्टेंस ज़्यादा है, पावर कम है। लेकिन यहीं पर रेसिस्टेंस कम है, पावर ज़्यादा है। इसलिए वायर वाउंड रेसिस्टर का यही क्या होगा, आपका एक डिजाइन होगा। ठीक है। अगर यही कहता व्हिच आर द फॉलोइंग टाइपिकल रेसिस्टेंस एंड पावर डिसिपेशन वैल्यू फॉर कार्बन रेसिस्टेंस, तो कार्बन के लिए क्या, कौन सा ऑप्शन तब सही होता, 1 मेगा ओम का ऑप्शन सही होता, ए तब सही होता। ठीक है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको सोचा हूँ क्लियर करा दूँ। अब रेसिस्टेंस का सारा पार्ट समाप्त हो गया है, अब फिलामेंट लैंप ही शेष बचा हुआ है। इसके जस्ट बाद हम फिलामेंट लैंप का स्टडी शुरू करेंगे। फिलामेंट लैंप जब समाप्त होगा तब हम टोटल डेफिनेशन का स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हमको जहाँ तक आशा आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। हाँ तो बेटा, हमारा जो विशेष इस चैप्टर का शुरुआत करने का जो टॉपिक था फिलामेंट लैम्प, इसका हम सीरीज कनेक्शन देखेंगे, इसके बाद हम पैरेलल कनेक्शन देखेंगे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सीरीज कनेक्शन देखेंगे। ये सारी बातें हम पहले लिख इसीलिए लेते हैं कि आपका टाइम मेरा टाइम दोनों क्या हो, बचे, इसलिए मैं इन चीज़ों को पहले लिख लेता हूँ। तो हम पहले कंडीशन में हम ये देखेंगे, यहाँ हम स्टडी करना क्या है, पहले ये देख लें। हमें यहाँ ये स्टडी करना है कि 2 बल्ब या 3 बल्ब या 4 बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उसमें कौन सा बल्ब तेज जलेगा, मतलब हाँ ठीक है ना। तो अब किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, किसकी ब्राइटनेस कम होगी, हमें जो है यहाँ कैसे मालूम चलेगा, ये हम इस वीडियो में अच्छा खासा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग क्या है, समान हो तीनों का, फिलामेंट लैंप है उस पर तीनों का सेम वोल्टेज रखा हुआ है और सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब इसमें से किसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, R3 है। अब यू कैन डिटरमाइन इट बाय यूजिंग फार्मूला V² / P R = आप इसको डिटरमाइन भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे अलग अलग रेसिस्टेंस इनका है, तो जिसमें पावर लॉस ज़्यादा होगा, I² R जिसका ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वो बल्ब तेज जलेगा। यानी कि मान लीजिए ये इसका होगा I² R1, इसका होगा I² R2, इसका होगा I² R3। मतलब यहाँ करेंट पे ब्राइटनेस जो है करेंट पे डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो भी करेंट होगा वो तीनों में क्या होगा, सेम होगा। करंट की वैल्यू तीनों में क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए हम करंट से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा बल्ब तेज होगा और कौन सा बल्ब धीमा होगा। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस देखना पड़ेगा। जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर लॉस ज़्यादा होंगे, उसमें पावर लॉस ज़्यादा होंगे तो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो हम देखें विदाउट, बिना सॉल्व किए हम देखें किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। बिना सॉल्व किए भी हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं P = V² / R। चूँकि तीनों का वोल्टेज रेटिंग यहाँ पे क्या है, सेम है, तो यहाँ क्या होगा, पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यह आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा, 1/R। यानी कि आप कह सकते हैं R inversely proportional to P एट सेम वोल्टेज, एट अगर हम वोल्टेज को क्या कर दें, कॉन्स्टेंट कर दें, तो होगा कि नहीं होगा बताइए। अब यहाँ से आप देखेंगे जिसका पावर कम होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें किसका पावर कम है, इसमें सबसे कम पावर कितना है, किसका है, 40 वाट, सबसे कम पावर इसका है, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस यानी कि मतलब क्या हुआ, इसमें पावर लॉस ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, यानी कि सबसे कम पावर लॉस इसमें होगा, इसलिए ये बल्ब क्या होगा, धीमा जलेगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए कुछ लोग दिमाग क्या लगा देते हैं, हम उसको भी हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ सोच क्या लेते हैं कि भाई जब हम रेसिस्टेंस जब कम होगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, और करंट जैसे ही ज़्यादा होगा तो करंट I² R डिपेंड कर रहा है ना पावर, तो करंट अगर 1 ही एम्पियर 2 ही एम्पियर ज़्यादा हो रही है तभी 4 टाइम्स ज़्यादा पावर लॉस हो जाएगा।
यानी कि रेसिस्टेंस का कम होना से ज़्यादा बढ़िया है करंट का थोड़ा बढ़ना, और जब रेसिस्टेंस कम होगा तभी करंट बढ़ेगा, तो जब करंट बढ़ेगा तो पावर लॉस ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए कि हम इसमें ऑप्शन, तब तो हमारा ये वाला सही होना चाहिए, ये वाला सही इसलिए होगा कि पावर इसका ज़्यादा है, पावर यहाँ ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा इसका, रेसिस्टेंस इसका कम हो जाएगा इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी, आई स्क्वायर आर, यानी कि पावर भी, पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ आप ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आप सोचेंगे, ऐसी बात अगर आप सोचेंगे तो आपका आंसर गलत ही होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप कितना हो बल्ब जोड़ते जाएंगे तो टोटल सर्किट का करंट कम होगा, ना कि फिलामेंट लैम्प पर्टिकुलर एलिमेंट का करंट कम होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के लिए यहाँ सर्किट हम बना दिए हैं, यहाँ 12 वोल्ट का सप्लाई है, 4 ओम का रेसिस्टर है, यह करंट अगर डिटरमिन करे तो आईवर और वीए पान आर होगा, यानी कि 12/4 / 12, यानी कि 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। लेकिन जब हम यहाँ रेसिस्टेंस ऐड कर दिए हैं तब करंट कितना हुआ, आई बराबर वी अपान आर, तो यानी कि यहाँ 12 है और रेसिस्टेंस कितना, 4 × 2 = 6, यानी कि 6 × 2 = 2 एम्पियर। तो जब रेसिस्टेंस ऐड किए, देखिए टोटल सर्किट का करंट कम हुआ, न कि पर्टिकुलर एलिमेंट का करंट कम हुआ। टोटल सर्किट में जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें फ्लो होगी, दोनों में करंट का डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो इससे ज़्यादा इसमें होगी, इससे ज़्यादा इसमें होगी, ऐसा नहीं होगा, एक ही करंट सेम फ्लो होगी। इसीलिए हम करंट को यहाँ कंसीडर नहीं किए हैं, रेसिस्टेंस को कंसीडर किए हैं। तो रेसिस्टेंस उसी का ज़्यादा होगा जिसका वाट कम होगा, जिसका वाट कम होगा उसका रेसिस्टेंस, जिसका वाट कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका वाट कम होगा, देखिए जिसका वाट कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें आई स्क्वायर लॉस भी ज़्यादा होंगे, आई स्क्वायर लॉस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं कि जो ब्राइटनेस होगा 1/P होगा, सीधा फार्मूला आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। कि अगर जिसका कम से कम वाट होगा उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। कब ऐसा होगा? जब वोल्टेज रेटिंग सेम होगी तब ऐसा होगा। वोल्टेज रेटिंग डिफरेंट होने पर यह आप नहीं बता सकते हैं कौन सा बल्ब तेज जलेगा, कौन सा बल्ब धीमा जलेगा, उसके लिए आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। स्लो और मोर ब्राइट के लिए, लेस ब्राइट के लिए, उस कंडीशन में हमें रेसिस्टेंस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों तब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि जब यहाँ वोल्टेज रेटिंग अब सेम नहीं है, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 120 वोल्ट 240 वोल्ट है, यहाँ 120 वोल्ट 240 वोल्ट है, वाट भी हम डिफरेंट लेकर के सॉल्व करा रहे हैं। अब हमको इनमें ये बताना है, इनमें ये बताना कि कौन सा बल्ब मोर ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब तेज जलेगा, ठीक है ना। इसमें अब आप ध्यान से समझिए, आप जब ऐसा कंडीशन आपको दे दे कि वोल्टेज रेटिंग समान ना हो तो दोनों का रेसिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी करंट फ्लो हो रही है दोनों में सेम फ्लो हो रही है, इसलिए यहाँ करंट का कोई कंसिडर कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अब आप इसका रेसिस्टेंस R1 अगर निकालना चाह रहे हैं तो V²/P होगा। तो यहाँ पे V कितना होगा, 120 × 120/P1 कितना है, 60, ये कटेगा, कितना होगा 224 ओम, यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस होगा कितना होगा, 240 ओम। इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 240 ओम, ठीक है। अब फिर R2 आप निकाल लीजिए, क्या होगा, V²/P, इसका कितना है, 240 × 240, अब P कितना है आपका, 120, ठीक है। तो आप इसको निकाल लीजिए, 24 × 8 = 48, 480 ओम, यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस होगा कितना होगा, 480 ओम होगा, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे कि इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेसिस्टेंस कम है, जब हम पावर लॉस निकालेंगे इन दोनों में तो किसमें पावर लॉस ज़्यादा होगा, इसमें पावर लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए ये आपका जो फिलामेंट लैंप होगा, ये वाला जो फिलामेंट लैंप होगा उसमें मोर पावर जो है लॉस होगा, इसलिए दूसरा वाला फिलामेंट लैंप क्या होगा, बहुत ही इसके कंपेरिजन में क्या होगा, तेज जलेगा, ठीक है ना। इसको एक बार और अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप, यहाँ R1 की वैल्यू दिया हुआ है, V1/V1²/P1, तो यहाँ पे कितना 120 है, 120 का हमने कैलकुलेशन किया तो आपको 240 ओम आया, और यहाँ हमने क्या किया,
देखा तो यहाँ अब आप ये ना समझ लीजिएगा जिसका वाट ज्यादा जिसका जो है वाट ज़्यादा है वो तेज जलेगा, ऐसा ना समझिएगा, क्योंकि अभी हम यही कैलकुलेशन यहाँ भी करके दिखाएंगे। इसका वाट ज़्यादा है लेकिन ये तेज नहीं जलेगा, ठीक है। आपको यहाँ हर हाल में रेसिस्टेंस को कैलकुलेशन करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ आप रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन करिए, इसके लिए आप आर वन निकालिए तो क्या होगा, वी वन स्क्वायर अपन पी वन। तो वी वन क्या है, 120 इंटू 120 अपन पी वन। पी वन कितना है, 60 ही है। ये कितना है, 240 ओम। तो हम तो निकाले ही थे इसका 240 ओम। अब यहाँ आर टू निकालिए तो क्या होगा, वी टू स्क्वायर अपन पी टू। तो वी टू कितना है आपका, 240 इंटू 240 अपन 480। निकालिए 24 दूना 48, इसको निकालिए 120। यानी किसका रेसिस्टेंस कितना आया, 120 ओम आया। अगर मान लीजिए आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ आई स्क्वायर इंटू 240 ओम, यहाँ आई स्क्वायर इंटू 120 ओम। तो अब आप बताइए किसमें पावर मोर पावर, किसमें लॉस होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें मोर पावर, इसमें लॉस होगा, इसीलिए ये वाला बल्ब क्या होगा, तेज जलेगा। इसमें मान लीजिए आपका ये आपका बी वन है, ये आपका बी टू है, तो इसमें बी वन क्या होगा, मोर ब्राइट होगा। बी वन क्या होगा, मोर ब्राइट होगा। इसमें आपका पावर लॉस इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसमें बी टू क्या होगा, मोर ब्राइट होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको एक बार और हम बताएंगे, ठीक है। कुछ इसमें करना नहीं है, जो भी डाटा दिया है इस डाटे से हम क्या करेंगे, इनका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और करंट तो सेम ही फ्लो होगी दोनों में। ये देखेंगे कि किस में पावर लॉस ज़्यादा हो रहा है, वही बल्ब क्या होगा, मोर ब्राइट होगा, ठीक है। समझ में आ गया, अब हम इसको मिटाते हैं। अब आगे हम चलते हैं ये देखने कि कौन सा बल्ब किस कंडीशन में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं उसको जानने के लिए, ठीक है। तो इसको हम रिमूव करते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको फ्यूज से रिलेटेड दिया गया है कि कौन सा बल्ब इसमें फ्यूज होगा, कौन सा बल्ब सेफली ऑपरेट होगा, कौन सा मतलब कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही है, बल्ब कोई भी फ्यूज नहीं होगा, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तरीका हम आपको बताने वाले हैं। इस तरीका को जानने के लिए आपको करना क्या है कि दोनों फिलामेंट लैंपों का रेटेड रेसिस्टेंस आप क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। रेटेड रेसिस्टेंस इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस कितना है, आर वन, ये क्या होगा, पी अपान भी, तो जानते हैं आप सभी लोग क्या होगा टोटल रेसिस्टेंस, तो रेटेड रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ हम सॉरी करंट को फाइंड करेंगे। तो I बराबर क्या होगा, रेसिस्टेंस का वो फार्मूला गलत है, बी स्क्वायर अपन पी होना चाहिए, यहाँ I बराबर क्या होगा, पी अपन बी होगा। तो P कितना है आपका, 60, अभी कितना है, 120, कितना आया, 1.2 यानी 0.5 एम्पियर। मतलब इसमें 0.5 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो सकता है, उससे कम भी फ्लो हो सकता है, लेकिन 0.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं हो सकता, ये रेटेड करंट है बल्ब वन का। अब दूसरे का देख लेते हैं, पी अपन वी से इसका पावर कितना है, 480। अब वोल्टेज कितना है, 240, 24 दूना 48, क्या देखे, 2 एम्पियर। मतलब ये 2 एम्पियर का करंट जो है आसानी से बियर कर सकता है, 2 एम्पियर से ज़्यादा होने पे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये 0.5 से ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। ये सप्लाई हम 220 वोल्ट लेते हैं, कितना लेते हैं, 220 वोल्ट। अब देखते हैं रियल में सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कैसे हम ना जानेंगे, देखिए क्या है सर्किट में, दो रेसिस्टेंस ही तो कनेक्ट हैं, यहाँ सप्लाई दिया गया है, तो ये रेसिस्टेंस कितना है, 240 ओम, ये रेसिस्टेंस कितना है, 120 ओम, सप्लाई वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो टोटल करंट आप निकाल लीजिए वी बटे आर से, वी कितना है, 220, से दोनों सीरीज में जोड़ लीजिए तो कितना होगा, जीरो, यहाँ पे कितना है, जीरो, और फिर ये क्या है, 4, 2, 6, 2, 1, 3, कितना आया, 360। अब इसको देखिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ I बराबर आप देखिए, I बराबर 22 अपन कितना आया, 36 आया। अब इसको आप काटिए तो ये 11 होगा, ये 18 होगा, 11 अपन 18 हो जाएगा,
तो 11/18 यहाँ पे हो गया, आई की टोटल वैल्यू आपको निकल गई। कितना टोटल वैल्यू निकल के आपके सामने आई, आई इज इक्वल टू 11/18। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा, 0.6 एम्पीयर टोटल करंट ये निकल के आया। कितना आया ये टोटल करंट, आई टी टोटल करंट। पहले हम क्या करेंगे, दोनों का रेटेड करंट निकालेंगे कि ये कितना तक ये सह सकते हैं, इनका वियरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो निकाल दिए, एक का इतना है दूसरे का इतना है। अब सर्किट में रियल में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमने निकाल दिया, यहाँ पे निकाल दिया। क्या हमने देखा कि सर्किट में टोटल में 0.6 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है और इसकी क्षमता कितनी है, 0.5 एम्पीयर की। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका फिलामेंट यहाँ F1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इज फ्यूज्ड। ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट के थ्रू वो रेटेड करंट से ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए F1 क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फिर अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो सेफली यहाँ वोल्टेज कितना दे सकते हैं कि ये फोन फ्यूज ना हो, कितना वोल्टेज हम इसको दे दें कि ये क्या हो जाए, फ्यूज ना हो। तो इसको हम कैसे जानेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि मिनिमम करंट 0.5 ही इसमें फ्लो हो पा रही है। कितना, 0.5, इतना इसमें फ्लो हो सकती है, इसमें फ्लो हो सकती है, क्योंकि इसका तो रेटेड कैपेसिटी भी है यही है, 2 एम्पियर ये इसका ज़्यादा है इससे, इसलिए इसमें भी फ्लो हो जाएगी। यानी कि 0.5 एम्पियर करंट इन दोनों में क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो 0.5 एम्पीयर दोनों में जब फ्लो हो सकती है तो हम इसी करंट को यहाँ फ्लो करवा दिए, ठीक है। हम 0.6 नहीं कर सकते क्योंकि इस पर फ्यूज हो जाएगा, 0.4 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, लेकिन हमको मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है कितना हम दे सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम मिनिमम करंट, मैक्सिमम करंट जो है 0.5 एम्पीयर इसमें हमने क्या कर दिया, फ्लो करा दिया। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना था, 240 ओम, यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना था, 120 ओम। देखिए यहाँ पर आपको कितना आया था, 240 ओम, यहाँ 120 ओम। अब यहाँ 0.5 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 240 का तो वोल्टेज आएगा 120, करने की जरूरत नहीं है, रेटेड वोल्टेज इसका दिया हुआ है। अब यहाँ रेसिस्टेंस कितना है, 120 ओम, जब 120 ओम में इसका आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 60 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका बादशाह तो क्वांटिटी 60 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ 60 वोल्ट, यहाँ 120 वोल्ट, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आया, 180 वोल्ट। इतना वोल्टेज आप सेफली दे सकते हैं ताकि दोनों बल्ब जो है फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हमारा जहाँ तक आशा आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको रिमूव करने वाले हैं हम। देखिए अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि दो फिलामेंट लैम्प किसमें है, सीरीज में है, तो टोटल कितना पावर ये कंज्यूम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका जो पावर है वो P1 कंज्यूम कर रहा है, ये पावर P2 कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जो इसका टोटल पावर आता है P = वो आता क्या है आपका, P1 P2 / P1 + P2, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसका कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसका वोल्टेज फिर इसका वोल्टेज फिर ये तीनों सेम होना चाहिए, तभी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी डिफरेंट है तब ये फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ फार्मूला इफ़ एनी वोल्टेज इज चेंज्ड हियर, अगर इसमें कोई भी वोल्टेज चेंज है तो आप इसमें फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे ये आया, हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं ये कैसे आया। तो यहाँ मान लीजिए वोल्टेज भी है, यहाँ भी वोल्टेज भी है, तो यहाँ से अगर आपको निकालना हो फार्मूला P1 का तो क्या होगा बताइए। मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस आपका क्या हो, R1 हो, इसका रेसिस्टेंस क्या हो, R2 हो, तो इसका फार्मूला आपका P1 का क्या आएगा, V² / R1। ये P2 कितना आएगा, V² / R2। दोनों का अलग अलग पावर का फार्मूला हमने लिख दिया। अगर हमें टोटल पावर का फार्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे बताइए। अगर हमें टोटल पावर का फार्मूला लिखना हो तो V² / टोटल रेसिस्टेंस R1 + R2 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं लिखेंगे।
अब यहाँ हम दोनों को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस पी टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू अपन वी स्क्वायर। अब इनको अलग अलग पुट करिए, आर वन अपन वी स्क्वायर प्लस आर टू अपन वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं वन अपन पी वन, अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं वन अपन पी टू, वन अपन पी टी इज इक्वल टू, ठीक है। यानी कि अगर आप पी टी निकालेंगे टोटल तो कितना होगा, पी वन पी टू अपन पी वन प्लस पी टू, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, पी वन प्लस पी टू अपन पी वन पी टू, तो जब दोनों को आप पलटेंगे, रिवर्स निकालेंगे, रिसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पी टी इक्वल टू क्या अपना पी वन इंटू पी टू अपन पी वन प्लस पी टू। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि इसका 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 जब तीनों का वोल्टेज रेटिंग सेम होगा तब हम सीरीज कनेक्शन में इस तरह से टोटल पावर का हम कंजम्पशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है आपसे, आपको दे सकता है कि इसका मान लीजिए 60 वाट है, इनपुट पावर आपका 100 वाट है, तो आपके दूसरे बल्ब का पावर कितना होगा, ठीक है ना। इसको आप x मान लेंगे तो आप सीधे यूज करके लगा सकते हैं, 100 इज इक्वल टू कितना होगा, P1 60 है, दूसरा x मान लीजिए, तो यहाँ 60 प्लस x मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे कि दूसरा पावर, दूसरे फिलामेंट लैम्प का कितना पावर रेटिंग होगा, ठीक है। दोनों का दे देगा, इनपुट का पूछ देगा, इनपुट का और एक दे देगा तो आपका पूछ देगा दूसरे का कितना होगा। इस तरह से आप ऐसा क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट पूछता है। और ये भी देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम कितने बल्ब, मैक्सिमम कितने फिलामेंट लैंप हम इसमें लगा सकते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। हम नेक्स्ट में हम उसी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इस एक्स का मान निकाल के हमें बताइएगा कितना वाट आ रहा है दूसरे का, ठीक है। इस प्रकार ये सीरीज कनेक्शन में फिलामेंट लैंप का आपका वेरिफिकेशन है। पैरेलल जब हम पढ़ाएंगे तो पैरेलल सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। सीरीज का लगभग सारी बातें हमने बता दिया। अब एक क्वेश्चन और है कि कितना लैंप जो है हम सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं सेफली विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। तो सॉल्व दिस, पंखो पंखो देखिए बच्चों, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है हाउ में 200 वाट 220 वोल्ट इनकैंडेंस लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब इस रेटिंग के कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं सीरीज, वुड कंज्यूम द सेम टोटल पावर एज ए सिंगल, इतने इनपुट पावर के साथ हम इतने वाट के फिलामेंट, कितने फिलामेंट लैम्प को सीरीज में जोड़ सकते हैं। यह जो है गेट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिए कि अगर ये सीधे सीधे ये लोग देखेंगे कि 100 वाट आपने इनपुट दिया है, 200 वाट इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये संभव है, ये नहीं है सीधे नॉट पॉसिबल पे मार देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा गलती मत करिएगा, संभव है। पैरेलल में संभव नहीं हो सकता है लेकिन सीरीज में ऐसा संभव है। देखिए कैसे कि हमने आपको बताया टोटल पी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वन अपन पी वन प्लस वन अपन पी टू एंड सो वन। चूँकि यहाँ हम कितने बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं, एन बल्ब तक, तो यहाँ इसी को हम एन बार तक क्या करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे। लेकिन टोटल सबका पावर क्या है, सेम है, तो सब क्या हो जाएगा, टोटल मान लीजिए तो सब मान लीजिए, अगर पी है तो सब पी ही रहेंगे। तो यहाँ टोटल पावर दिया कितना है 100 वाट, और यहाँ पे वन अपान पी कितना है 200, फिर वन अपान पी 200, ये कितने तक है, एन तक है, तो कितना होगा वन अपान 100 अपान एन इंटू 200। इसको जब आप डिवाइड करेंगे इसको तब कितना होगा, ये टू बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वन, यहाँ टू में वन का मल्टीप्लाई होगा टू, यानी कि आप 200 वाट के दो बल्ब आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं इस सप्लाई के क्रॉस, ठीक है। कितना आएगा एन बराबर टू आएगा, तो आपका टू आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी वे में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार सीरीज फिलामेंट लैम्प का टोटल लगभग जो भी प्रॉब्लम था मैंने सॉल्व करवा दिया है। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा पैरेलल कनेक्टेड आप फिलामेंट लैम्प, फिलामेंट लैम्प पैरेलल में कनेक्ट जब होंगे तो क्या क्या कंडीशंस होंगे उनके, कैसे फ्यूज होगा,
कैसे, उसमें कौन सी घटनाएं होंगी, यह सब अगर आपको जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। ओके, धन्यवाद।